स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये डिज़ाइन बताने जा रही हूँ जो इसकी पट्टी बनाई हुई है। देखिए, ये देखिए, मैंने 40 फंदे की बनाई हुई है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से 40 फंदे लिया है यहाँ से। आज मैं आपको यही डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी कि कैसे मैंने बनाया है। ये देखिए, मैंने इतना बना लिया है। देखिए, ये आपको करीब से दिख रहा होगा, मैंने वाइट और मैरून में बनाया हुआ है। देखिए, वाइट और मैरून में ये फ्लावर बनाए हुए हैं। ये दो सलाई की डिज़ाइन है। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये राउंड साइड से बनता है। अभी मैं राइट साइड पे हूँ, मुझे क्या करना है, वाइट वाले से राइट साइड में पूरा सीधे सीधे बुनाई करना है। ये देखिए, मैं राइट साइड से बुनकर राउंड साइड पे आ गई हूँ। अब देखिए, आपको दिखा रही हूँ कैसे डिज़ाइन बनता है। ये राउंड साइड से ही डिज़ाइन ये बनती है। अब देखिए, ये एक फंदा मैंने ये सीधा बुनाई किया, फिर एक फंदे मैंने तीन बार ये राउंड राउंड लपेटा, एक दो तीन चार और एक पांच। पांच फंदा हो गया। देखिए, एक फंदे में हमें तीन बार लपेट लपेट के बनाना है। यहाँ पे देखिए, मेरे पांच फंदे बन गए हैं, एक दो तीन चार और एक पांच। फिर क्या करना है, एक फंदे हमें सीधे बनाने हैं, फिर यही एक दो तीन चार और एक पांच। ये पांच फंदे बन गए मेरे, फिर एक फंदा सीधा। सेम यही प्रोसेस हमें बार बार करना है। आप कर लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। देखिए, ये रॉन्ग साइड बुनने के बाद राइट साइड ऐसे कुछ आता है। अब हमें राइट साइड में क्या करना है, ये आप ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या करना है, राइट साइड में जो फंदे मैंने रॉन्ग साइड में एक सीधा बुना हुआ था, वो राइट में एक उल्टा बुनना होगा। एक उल्टा बुना, फिर मैंने उनको पीछे ले गई। फिर क्या करना है, वन टू थ्री फोर और एक फाइव। ये जो फंदे मैंने पांच फंदों का एक फंदों में तीन तीन बार लपेट के बनाया हुआ था, अब उसको हमें क्या करना है, खोलना है। देखिए, खोलने के बाद ये इस प्रकार आएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, उनको पीछे छोड़ना है। फिर देखिए, फिर हमें इन सारे फंदों को इस सिलाई में लेना है। आप केयरफुली देखिए, ऊन पीछे हमारा, फिर हमें इस तरह, फिर इसको क्या करना है, पीछे वाले ऊन को हमें इसमें सारे फंदे रहेंगे, फिर क्या करना है, पीछे वाले ऊन को हमें इस राउंड लेके आना है। फिर इस सिलाई में सारे फंदे, एक फंदे के अलावा ये एक फंदा छोड़ के जो पांच फंदे मैंने लपेट के बने हुए थे एक फंदे में तीन बार, उसको मैंने खोल के फिर ये हमें बीच में फिर पीछे ले जाना है। फिर तीन राउंड लपेटना है। कहाँ लपेटना है, बीच में एकदम। मैंने आपसे बताया है इसको एकदम ढीला ढीला ही बिने, ताकि ये ढीली ढीली लपेटें, ताकि ये बन के अच्छा सा उभर के आए। अब देखिए, मैंने थ्री टाइम इसमें लपेट लिया है। अब ये ऐसे कुछ आएगा। देखिए, ये बैक साइड से और फ्रंट साइड से ऐसे। फिर हमें क्या करना है, उनको आगे लेके, फिर हमें एक फंदा उल्टा बुनाई करना है, फिर उन पीछे ले जाना है, फिर ये हमें पांच फंदों को खोलना है, एक दो तीन चार और एक पांच। ये पांच फंदे हमारे खुल गए हैं। फिर क्या करना है,
ये वाला जो ऊन है इस साइड, इसको आगे की साइड हम लेके आएंगे, फिर तीन टाइम इसको लपेटना है, फिर ऐसे, फिर इस सलाई में लिया, फिर ऐसे, ठीक। फिर हमें ऊन आगे करके एक फंदे को जो मैंने उस रॉन्ग साइड से सीधा बिना था, अब इधर राइट साइड से उल्टा बुनाई होगी, एक फंदे मैंने बुन लिए, ये देखिए एक फंदे यहाँ पे बुन लिए। अब ऊन पीछे करके ये पांच फंदों को हमें खोलना है, 1, 2, 3, 4 और 5। ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा 5 फंदे। फिर इस ऊन को हम आगे की साइड लेके आएंगे, फिर यही हमें बीच में लपेटना, ये देखिए ना ऊपर ना नीचे, एकदम बीच में ये 3 टाइम आपको राउंड करना है, ये देखिए। फिर उसके बाद हमें एक फंदे ये उल्टा बुनाई करना, फिर यही प्रोसेस आपको करना। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया राइट साइड से, ये देखिए ये फुल बनकर आपका ऐसे आएगा। अब क्या करना है हमें रॉन्ग साइड से, सारे फंदे को हमें, ये देखिए सारे फंदों को हमें क्या करना है, सीधा बुनाई करना है सारे फंदे को रॉन्ग साइड से, जितने भी फंदे हमें, सारे फंदे को हमें ये रो कंप्लीट करनी होगी सीधे बुनाई करके। ये देखिए मैंने रॉन्ग साइड बीन कर कंप्लीट कर लिया, ये राइट साइड से ऐसे दिखेगा कुछ, देखिए ये डिज़ाइन बन के मेरी तैयार हो गई है, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, 2 सलाई ये मैरून के बुनाई करने हैं, फिर उसके बाद हमें यही डिज़ाइन डालना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने बोला आपको इस ब्लाउज का ये नीचे का मैं पट्टी बना रही हूँ, ये देखिए मैंने ये बताया, तो ये तिकोना बनता है, तो इसलिए मैंने ये बताया कि आप जब भी बनाएंगे हर 2 सलाई पर एक एक फंदे घटेंगे, ये देखिए तभी ये तिरछा आएगा तिकोना। यहाँ से देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये देखिए एक एक फंदे, दूसरे सिलाई पे एक फंदे घट गए हैं, फिर यहाँ पे एक फंदे घटे हुए हैं, देखिए हर दूसरे सिलाई पे एक एक फंदे घट जाएंगे। जब मेरे ये 30 फंदे हो जाएंगे, और देखिए जब हम ये बनाएंगे नाप कर ही बनाएंगे हम, देखिए ये देखिए ऐसे यहाँ से सिलाई होगी, ये देखिए तिकोना है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये जो ऐसे तिकोना है, और हमें जब ऐसे यहाँ यहाँ तक जाएगा, ये गिनकर हमें बनाना होगा, यहाँ तक जब ऐसे चला जाएगा तो हमें ऐसे ही पकड़ के तिकोना सिलाई करना होगा, फिर जब सिलाई हो जाएगी तो हम पलट देंगे तो इसका शेप कुछ ऐसा आ जाएगा। देखिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, मैं आपको पूरी ये पैटर्न बताऊंगी कि कैसे बना है। लेकिन आपको ये मैं नीचे की पट्टी बता रही हूँ, हर दूसरे सिलाई पे एक एक फंदे घटते हुए जाएंगे। और जब हमारी ये 30, अगर मैंने 30 फंदे का बनाया है तो मुझे 25 या 22 फंदे रखने होंगे, जैसे आप रख सकते हैं। अगर आपने 45 फंदे का बनाया है तो उसमें 8-9 फंदे घटा दीजिए हर दूसरी सिलाई या तीसरी सिलाई पे, तो ये तिकोना बन के तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया ना, यहाँ से रख सिलाई करेंगे, फिर ये पलट दिया जाएगा, फिर ये ऐसे शेप आएगा। मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी, ये देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।